मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, तो मुझे क्यों खिलवाड़ बना कर रख दिया हमने। अरे बहुत टेंशन है, क्या करें, आज कितने केस आए, 1 लाख केस, 1.5 लाख केस, 2 लाख केस, 2.5 लाख केस, तो भगवान क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों। फिनिश। हरे कृष्णा। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक बहुत ही बड़े संकट से जूझ रहा है। एक महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना। तो सभी जो व्यक्ति हैं वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, आखिर इतनी बड़ी आपदा क्यों हमारे ऊपर आई है, आखिर हमने ऐसी कौन सी गलती की है, कौन सा ऐसा हमने गुनाह किया है जिसकी हमें ये सज़ा मिल रही है। मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं, तो मुझे क्यों। तो ऐसे प्रश्न सबके मन में उठ रहे हैं, और इससे बचने का क्या उपाय। आज एक वैक्सीन निकल रही है, दूसरी वैक्सीन निकल रही है, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, फिर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो हमारे शास्त्र जो हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, शास्त्र का क्या मत है, आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो के 14th चैप्टर के 10th श्लोक में हमें इसकी जानकारी मिल रही है। पश्चोत्पातान नर व्याघ्र दिव्यान भौमान सदै ही कान दारुणाम संसतो दूराण भयम नो बुद्धि मोहनम। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ये श्लोक है इसके अंदर हमें जो ये कोरोना महामारी फैली हुई है इसकी हमें जानकारी मिल रही है। तो इसका तात्पर्य मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका ट्रांसलेशन पढ़ के बताता हूं क्या है। हे नर व्याघ्र, जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही हैं। मैं आपको तात्पर्य पढ़ के बताऊंगा। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो दैवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। तो देखिए, जो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो प्रगति हो रही है, जो उससे क्या हो रहा है, जो भौतिक प्रगति हमें दिखने में तो लग रहा है कि हाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं और ये बन रहा है और ये जेट फाइटर्स बन रहे हैं, प्रगति हो रही है, लेकिन उसके पीछे कितना प्रकृति का हम हनन कर रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को गंदा किया जा रहा है, समुद्र में पूरा जो फैक्ट्रीज का सब सारा पानी उधर जा रहा है, सब प्रकृति के साथ हम कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, 3 प्रकार की आपदाएं, कौन कौन से, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश कौन से होते हैं, जो कि हमारे मन द्वारा, हमारे शरीर द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शोक हो गया, चिंता हो गया, अरे बहुत टेंशन है, क्या करें, उफ क्या करें, वो तो लाइक दिस, ये मानसिक, जो कि हमारे शरीर और मानसिक मन से जो हमारे उत्पन्न होता है, ये है आध्यात्मिक क्लेश। उसके बाद आता है आदिभौतिक क्लेश। तो आदिभौतिक क्लेश क्या है, जो दूसरे जीवों द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, जैसे कि मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, हम सड़क पे जा रहे थे, गाड़ी ने हमें ठोक दिया, ढुम करके एक्सीडेंट हो गया, लाइक दिस, जो भी कष्ट हमें दूसरों से मिल रहे हैं, किसी ने हमारे कोई किसी भी व्यक्ति ने आकर मुझे थप्पड़ मार दिया, किसी ने मुझे गाली दे दी, मैं लाइक दिस, ये है आदिभौतिक क्लेश। उसके बाद आता है आदिदैविक क्लेश। आदिदैविक क्लेश क्या है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, अकाल, महामारी। तो ये जो महामारी जो फैली हुई है ये किसमें आता है, ये आदिदैविक क्लेश, मतलब कि ये प्रकृति द्वारा हमको दंड दिया जा रहा है, जो हमने किया है वो हम भर रहे हैं। अब हम बोल सकते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आपने मे भी इस लाइफ में नहीं किया होगा इस जन्म में, लेकिन पूर्व जन्मों में कितने जन्म हो चुके हैं हमारे, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म हो चुके हैं, हमने पता नहीं ना हमने कितनी बुराई की, और हमने की हैं गलतियां, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में अब तक बंधे हुए हैं, नहीं तो हम भगवान के धाम जा चुके होते। ये जो कर्म का जो सिद्धांत है बहुत गहरा है, इसमें हम अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्यों उस जन्म की सजा हमें इस जन्म में मिल रही है, ये एक अलग टॉपिक है। तो बेसिकली हमको जो भी हमको सजा मिल रही है वो हमारे ही कर्मों का फल है। गौ माता की हत्या की जा रही है, स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं दिन दहाड़े, उन कितना एक एक दिन में कितनी गौ माता को काट दिया जाता है, कितने निर्दोष पशुओं को, जानवरों को काट के आप लोग प्लेट में रख के उसको खा रहे हो। प्रकृति जो हमें, वृक्ष जो हमें
ऑक्सीजन देता है, जो अगर आप साइंटिफिक टर्म में कहें, जो हमें ऑक्सीजन देता है जिसके वजह से हम जिंदा है, उसको काट दे रहे हो। ये पहाड़, ये चट्टाने, ये नदियां, ये सब जो प्रकृति, इतनी सुंदर प्रकृति है, हम लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ? खिलवाड़ बना कर रख दिया है हमने। हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह मनुष्य ने अपना हाथ डाला है और उसको नष्ट कर दिया है। तो क्योंकि हमने प्रकृति को नष्ट किया है, हमने उसके साथ छेड़खानी की है, अब प्रकृति की बारी है। प्रकृति तो दंड देगी ही। तो ये जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, ये एक दंड के रूप में है जो कि हमको मिल रहा है। और ये कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचें कि अरे ये तो बहुत बड़ा महामारी है, कितने लोग मर रहे हैं, ओ माय गॉड, कितने लोग, वो भी मर गया, आज कितने केस आए, 1 लाख केस, 1.5 लाख केस, 2 लाख केस, 2.5 लाख केस, कितने लोग तो केस देख देख के निकल ले रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, ऐसे ही चले जा रहे हैं, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए, अरे आज हमारे वो पता है उधर सेक्टर में हो गया, अरे आज हमारे पड़ोसी को हो गया, आज हमारे रिश्तेदार को हो गया, आज मेरे पापा को हो गया, आज मेरी मम्मी को हो गया, आज मेरे भाई को हो गया। ओ माय गॉड, भगवान क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? तो ये भगवान नहीं कर रहे हैं, भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति देवी कर रही है। भगवान को तो आप पूछ ही नहीं रहे हो ना, भगवान की शरण में तो आप जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इनके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष रोग तथा महामारी आती हैं। इन सब का सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने हेतु कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाले दंड हैं। तो ये दंड हैं जो हमें मिल रहे हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया। अतएव भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान के साथ, अब देखिए, अब प्रभुपाद जी हमें इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो शास्त्र हैं हमें इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ये जो महामारी फैली हुई है इसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है, ओके, और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। तो क्या जो हमने संबंध भुला दिया है भगवान के साथ, उस संबंध को हमको वापस स्थापित करना है भगवान के साथ, ओके। नेक्स्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कौन लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, अथीस्ट, सो कॉल्ड मॉडर्न यूथ, ओके, वे इन 3 प्रकार की आपदाओं का सामना करने हेतु अपनी स्वयं की योजनाएं बनाते हैं, अतएव वे हर बार विफल होते हैं। तो योजनाएं बनाते हैं कैसे, कि आज हम इसकी वैक्सीन निकाल लेंगे कोरोना की, चलो जी ठीक है आपने निकाल लिया, ठीक भी हो गए लोग, लेकिन फिर कल को एक नई बीमारी खड़ी है, फिर कल एक नई बीमारी आ जाएगी, उसकी भी वैक्सीन निकालो, उसकी भी नई बीमारी आ जाएगी। पिछला पास्ट अगर आप देखो तो ऐसा ही हुआ ना, प्लेग आया था तो गांव के गांव साफ हो गए थे एक साथ। तो लाइक दिस आप करते रहो करते रहो करते रहो, योजनाएं बनाते रहो, लेकिन प्रकृति क्या है, उसको क्या है, वो फिर से एक नई बीमारी लाके खड़ी कर देगी। तो हिज़ोलिनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बताते हैं, वो बता रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि आज वैक्सीन आ जाएगी, बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीन आ जाएगी, और वैक्सीन आ भी गई, लोग ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन कल फिर से एक नई बीमारी आ जाएगी। तो योजनाएं जो असुरजन बनाते हैं, दे आर नॉट सरेंडरिंग टू द लॉर्ड एंड दे आर मेकिंग देयर ओन थिंग, कि हाँ हम जो है ये कर लेंगे तो इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, नो यूज, ओके। उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता 7th chapter 14th श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि 3 भौतिक गुणों के बंधनकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। कौन जीत सकता है ये जो जितनी भी जो आपदाएं हैं, कौन जीत सकता है? जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमल ग्रहण कर ली है। वेरी स्ट्रेट। अगर हमको इन सब चीजों से बचना है, ये जो 3 प्रकार के क्लेश हैं, इनसे हमें छुटकारा पाना है, तो हमको भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी, और कोई उपचार है ही नहीं। हम सोचेंगे नहीं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हॉस्पिटल के बगल में हम घर लेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, कोई ठीक नहीं होने वाले। ये जो शरीर है आज ठीक है,
कल को ये शरीर जर्जर हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी हड्डियां मुड़ जाएंगी, हम झुक जाएंगे और फाइनली हम फिनिश, शरीर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो शास्त्रों में हमें उत्तर मिल रहा है कि अगर हमको इस महामारी से बचना है तो हमें भगवान के चरण कमलों को ग्रहण करना ही होगा, और अगर हम भगवान के चरण कमलों को ग्रहण करेंगे तो फिर हमसे कोई गलती होगी नहीं, हम कोई गलती करेंगे नहीं, जो हमने तमाशा बना रखा है, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, फिर हम वो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि जो संकट है, इतना बड़ा संकट जो फैला हुआ है विश्व में, आप सब लोग प्रिकॉशन लीजिए, एक आप लोग प्लीज़ ढिलाई बिल्कुल मत कीजिए। एक भक्त जो है वो कभी ये ना सोचना चाहिए कि ये भगवान की मर्जी से हो रहा है या दंड दिया जा रहा है तो मैं क्यों करूँगा, नहीं ऐसा नहीं। वी शुड नॉट फोकस ऑन आवर कर्मा, वी शुड फोकस ऑन आवर धर्मा। हमारा धर्म क्या है कि हम भगवान की भक्ति करें, जो लोग इस संकट से जूझ रहे हैं उनकी मदद करें और खुद का बचाव करें, मास्क पहन कर रखें, सैनिटाइज करें और भीड़ भाड़ इलाकों में निकलने से बचें, उचित दूरी बना कर रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खातर भाव से भगवान को पुकारें, भगवान का जप करें, हरि नाम में बहुत शक्ति है। अगर इस हरि नाम का जप करेंगे, हम भगवान को पुकारेंगे प्रेम पूर्वक, तो भगवान अवश्य हमारी बात को सुनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।